इन दिनों देश में अगर कोई मुद्दा चर्चित है तो वो है नीट का पेपर लीक का मामला। और देखिए इस मामले को लेकर सदन में चर्चा हो रही है, जमकर बवाल हो रहा है, सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि पेपर लीक के साफ सबूत नहीं है, कुछ सेंटर पर गड़बड़ी हुई है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सभी तथ्य रखे हैं। अब इसको लेकर के जमकर बवाल हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक को लेकर के कोई साफ सबूत नहीं है, प्रश्न पत्र लीक के मामले में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। और इस दौरान जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 7 साल में पेपर लीक को लेकर कोई सबूत नहीं है, ये केस पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, चीफ जस्टिस इस पर सुनवाई कर रहे हैं। एनटीए के बाद 240 एग्जाम हुए हैं, 5 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने अप्लाई किया है और 4.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने इनमें भाग भी लिया है। तो पेपर लीक के साफ सबूत नहीं है, कुछ सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है, धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये जवाब है सदन में। सर, विथ फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड लाइक टू सबमिट इन फ्रंट ऑफ हाउस थ्रू यू सर, देयर इज नो एविडेंस ऑफ पेपर लीक in last 7 years in any numbers. So there are incidents already. This case right now, speaker sir, this case is going in front of honorable Supreme Court. All the things has come out, every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last after NTA more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all facts and records. और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, सदन की कार्यवाही चल रही है। Funds by the previous state government and Andhra Pradesh. As a result, the centrally sponsored schemes implemented over the past 5 years have not been reached the people of the state. This is highlighted in the white papers released by our honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu Garu, especially in the ones related to Polavaram irrigation project and the development of our capital Amaravati. In the light of this, I would like to ask the honorable minister